फ्रेंड्स, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का आपको वक्त ही ना मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एस्ट्रो साई गुरु में हार्दिक स्वागत है। आज हमारी एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। हमारा जैसे थंबनेल है, बुध बदलेंगे चाल, 20 फरवरी से 7 मार्च तक इन राशियों की चमकेगी किस्मत और मौज होंगी। आज हम बुध का राशि परिवर्तन, जो कि 20 फरवरी को बुध भगवान शनि के घर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि इन पूरे 12 राशियों पे संक्षेप में बताया जाए कि इन 12 राशियों पे क्या फल रहेंगे, अच्छा या बुरा। क्या इन 12 राशियों में आपका भी राशि है तो जरूर आप देखें। अंत में एक विशेष उपाय दिया जाएगा, तो अंत तक बना रहें। सबसे पहले ये बता दें कि बुध भगवान जो है, देखिए बुध भगवान के स्वामित्व दो राशियों पे है। एक तो आपके मिथुन राशि पे है और दूसरा है आपके कन्या राशि पे। जिनका बुध अच्छा होता है, वो देखिए एक तो अच्छे अध्यापक, वकील, जज, बड़े अच्छे मजिस्ट्रेट और अच्छे बिजनेसमैन, उद्योगपति होते हैं। क्योंकि बुध जो है बिजनेस का, व्यापार का, बैंकिंग का, इंटरनेट का और बुद्धि का विशेष कार्य होता है। तो जिनके ग्रह, जिनकी कुंडली में बुध वेल प्लेस्ड है, तो आप समझ लीजिए कि बुध जो है, क्योंकि बुध मर्करी भी कहलाता है इंग्लिश में, उसको हम राजकुमार, बुध जो है ग्रहों में राजकुमार कहलाते हैं। तो बुध की आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि पे, मेष राशि पे देखिए ये 11वें भाव पर इसका गोचर रहेगा शनि, ये बुध का शनि की राशि कुंभ में। इसमें आपके लिए बहुत ही शुभ रहे समय रहने वाला है। इसमें कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, मेहनत आपकी रंग लाएगी, साथ में भरपूर फायदा रहेगा, समाज में नाम, नेम एंड फेम रहेगा और आपके पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। इसके हम वृषभ राशि पे आते हैं। वृषभ राशि पे ये आपके 10वें भाव कार्यस्थल पर गोचर रहेगा। इस समय आपको आर्थिक लाभ आपको अच्छा रहेगा, फैमिली रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं काफ़ी समय से, उनको जो है इस समय काफ़ी अच्छा समय रहेगा। आपके वीज़ा या जो भी जो कठिनाई आ रही थी वो दूर होंगी। आपको आर्थिक पक्ष बड़ा अच्छा मजबूत रहेगा, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद हम आते हैं तीसरी मिथुन राशि पे। मिथुन राशि पे ये आपके भाग्य स्थान पर है, बहुत ही शुभ समय है रहेगा। मगर एक ही चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, हेल्थ आपका जो है अफेक्टेड रहेगा। हेल्थ में ध्यान रहे 7 मार्च तक। साथ ही आपको कुछ नया प्रोजेक्ट्स करने के योग बनते हैं, साथ ही अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। इनकम से, जो शेयर मार्केट, स्टॉक, प्रॉपर्टी से लाभ बन सकते हैं। इसके बाद हम कर्क राशि पे आते हैं। कर्क राशि पे गोचर आपके अष्टम भाव, 8th हाउस पर गोचर हो रहा है अष्टम भाव। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपका विदेश से इनकम या विदेश से कोई कार्य से आपका जो अपूर्ण रह गया, वो उसमें लाभ मिलेंगे, सडन गेन मिलेंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, बच्चों से है आपको जो भी आपको लाभ मिलेंगे, और साथ ही अनएक्सपेक्टेड आपको एकदम जो है कार्य में, वेदर वो ऑफिस में हो या कोई आपकी जो भी व्यापार स्थल में, आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। हम सिंह राशि पे आते हैं। सिंह राशि पे गोचर सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव में ये समय आपके लिए थोड़ा सही नहीं रहेगा। इस समय थोड़ा ध्यान रखने वाला होता है, आप अपने हेल्थ का ध्यान रहें, खर्चों के आपके अधिकता खर्चों की हो सकती है, और आपको इस समय जो है थोड़ा कोई फैमिली की कोई हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। साथ ही आपको आपकी वाणी से भी जो है कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, तो आप सोच समझ कर बात करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। कन्या राशि पे यह 6ठे भाव पर गुजर है, बहुत सुंदर समय आपके लिए। आपको आपके ऑफिस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपको जो चाह रहे थे कि कई समय से जो आपको रिकग्निशन मिले काम में, वो मिलेगा। पैसे से भी आपको जो आर्थिक स्थिति जो काफ़ी समय से थोड़ी बहुत दिक्कत ही ठीक रहेगी। फैमिली रिलेशंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड लव मैटर्स में भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग फॉरेन जाना चाह रहे थे, फॉरेन हमारे जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से या कोई विदेश किसी घूमने से या किसी जॉब से, इनके लिए बड़ा अच्छा समय है। इसके बाद हम आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि पे गोचर पंचम भाव पर हो रहा है, बड़ा अच्छा है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी। आपको व्यापार में और नौकरी दोनों में अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही आपको ये ध्यान रखें, आपको यात्राओं से भी लाभ बनेगा, तो बड़ा अच्छा समय है। वृश्चिक राशि पे ये
इनके फोर्थ हाउस जो सुखों का भाव है उस पर गोचर हो रहा है। और इस समय जो है आपको ओवरऑल आपके गोल अचीवमेंट्स के समय है, पूर्ण होगी कामयाबी आपको इंटरनेट से, बैंकिंग से, फाइनेंस और कोई भी जो ऑनलाइन काम से आपको मिलेगा। ये बड़ा अच्छा समय है आपको। धनु राशि पे तीसरे भाव पर गोचर हो रहा है आपके लिए, वर्क प्लेस के जो एफर्ट्स वो रिकग्नाइज होंगे और आपकी ओवरऑल जो भी स्थिति है वो बहुत ही बेटरमेंट हो जाएगी। आपको आपके अवार्ड्स को अवार्ड, ये अवार्डिंग एंड रिवॉर्डिंग टाइम है। सिर्फ थोड़ा कम्युनिकेशन पर अपने पार्टनर के साथ जो है थोड़ा आपको ध्यान रखे, कोई मतभेद ना हो वो ध्यान रखे। अब हम आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि पर ये आपके दूसरे भाव धन भाव पर गोचर हो रहा है, बहुत शानदार समय है। मान सम्मान का आर्थिक पक्ष बड़ा अच्छा रहेगा और आपके जो ट्रेवल्स में और सामाजिक आपको मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी और आपके कैरियर में और जॉब में दोनों में लाभ का समय है। कुंभ राशि पे गोचर आपके लगन पर है, लगन व्यक्तित्व आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं बाहर के लिए या घूमने या कोई कार्य के लिए, बहुत ही शुभ रहेगा। फैमिली रिलेशनशिप्स में जो भी मतभेद थे अब ये अच्छे, आपको बहुत प्यार सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, आर्थिक पक्ष बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद कुंभ राशि पे आते हैं। कुंभ राशि पे ये बारहवें भाव पर गोचर हो रहा है, बारहवा भाव। इस समय आपको फैमिली टाइम, क्वालिटी फैमिली टाइम विथ हस्बैंड एंड वाइफ आपका बड़ा अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, जो भी डिफिकल्टीज जो आ रही थी रिलेशनशिप में दूर होंगी। आपके हेल्थ में पहले से बड़ा एक पॉजिटिव सकारात्मक चेंज आएगा। तो ये बुध का जो राशि परिवर्तन आपके लिए खासकर अच्छा रहेगा। अब हम उपायों पाते हैं। इसमें सबसे पहले बुध के उपाय के लिए सबसे पहले विष्णु सहस्रनाम का जाप करें, सुने या आप कर सकें तो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही आप हरे हरी चीज बुधवार को पालक गाय को खिलाएं और हरी मूंग जो है वो आप पक्षियों को दाना देंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। मेरे को उम्मीद है ये मैंने बुध का जो राशि परिवर्तन 20 फरवरी से 7 मार्च तक हो रहा है कुंभ राशि में, शनि की राशि में, ये इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये बेसिक जनरल रीडिंग है। स्पेसिफिक रीडिंग के लिए और अधिक क्लैरिटी के लिए आप हमारे से 8010001346 पर संपर्क कर सकते हैं और मैं इस सारे हमारे पूरे बुध का जो राशि परिवर्तन है इसकी मैं आपको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।